ये जो मोहतरमा जिसको चस्के लेने की आदत है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आदतें नस्लों का पता देती हैं, ये बात आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम होगा कि नेचर कांट बी चेंज, इंसान की जो आदत है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। उसकी वजह ये होती है कि इंसान जिस माहौल में रहता है, जैसा माहौल वो अडॉप्ट करता है, तो इसी तरह उसकी जवानी गुजरती है और बुढ़ापा भी इसी तरह गुजरता है। लेकिन आज प्रोग्राम में मैं आपको चल के बताऊंगा कि जो अपने आप को कोच के नाम से दावा करता है, वो कहते हैं जी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, उसका एक असल चेहरा आपके सामने रखूँगा। और वो उस असल चेहरे की शख्सियत का नाम है राजा रियाज, जिनको चाचा खाम खा के नाम से भी जाना जाता है। और चाचा खाम खा, बेसिकली मैंने जब वो वॉइस नोट सुना तो मुझे गुस्सा भी बहुत आया। मैंने सुबह प्रोग्राम में आपको बताया था कि राजा रियाज ने जिस तरह एक खातून, उस खातून को जो बी फॉर यू की इन्वेस्टर थी, जिसने बी फॉर यू में इन्वेस्टमेंट की थी, और चाचा खाम खा एंड पे आता है, सैफुर रहमान खान न्याजी को चकनी चुपड़ी बातें लगाता है, शीशे में उतारता है और फिर इसके पैसों से खेलना शुरू कर देता है। राजा रियाज साहब, आप उस खातून से मुखातिब थे और आपने कहा जी कि आप उसका वॉइस नोट लेके साइबर क्राइम सेल में जाएंगे, तो ये ड्रावे ये किसी और को बताइएगा। साइबर क्राइम सेल में सिर्फ एक आपकी दरख्वास्त एंटरटेन नहीं होगी, जिस तरह की लैंग्वेज, जो अल्फाज आपने उस खातून के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो खातून वो वॉइस नोट लेके वो भी साइबर क्राइम सेल में जा सकती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप उस वॉइस नोट में उस खातून को हरासा कर रहे हैं, और हरासमेंट का केस अगर बन जाए, अभी रिसेंटली जो चेयरमैन पैमरा थे इनके ऊपर हरासमेंट का केस बना था, और उनको क्या सजा हुई, जरा ये गूगल पे जाके लिखिएगा और सर्च जरूर कीजिएगा। इससे कबल भी MDPTV को भी हरासमेंट केस में सजा हो चुकी है। तो आप जिस तरह का वॉइस नोट कर रहे हैं उस खातून के मुतल्लिक, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और किसी की बेगम है, और किसी की माँ है। तो जिस तरह की लैंग्वेज आपने यूज़ की है, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था कि आदतें नस्लों का पता देती हैं, आप अगर इस खातून के मतलब ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि आपके साहबजादे आपके मतलब कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो हो सकता है कि पूरे जहान को मालूम हो, या जो आपके करीबी लोग हैं, कि आपने तो उस खातून को नाउज़ बिल्ला आप इस कदर गुरूर में आ चुके हैं, तकब्बुर में आ चुके हैं कि वह दो कमरों के घर में रहती है। राजा रियाज साहब, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस खातून का घर अपना है, आपकी तरह वो किराए पे छुपती फिरती नहीं है, कि जिस तरह आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, वो कभी एक जगह दूसरी जगह पे नहीं होती, वो जिस घर में रह रही है उसी घर में रहती रहेगी। आपने तो ये भी दावा किया कि उसका खामन मोटरसाइकिल पे घूमता है। तो राजा रियाज साहब, आज से 10 साल पहले आप साइकिल पे घूमते थे। राजा रियाज साहब, आज से 10 साल पहले जब आपने वो हावी नाम एक कंपनी बनाई थी, तो आप भी इसी तरह लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। आपकी तो हनीफ अब्बासी के साथ भी तस्वीर है, उसको भी आप दावा करते थे कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। तो कुछ शर्म करें, आप ज़ैफुल उमर हैं, आपकी उम्र को ये जेब नहीं देता कि आपने जो लैंग्वेज यूज़ की। मैं प्रोग्राम में वो वॉइस नोट भी चलाऊँगा, क्योंकि राजा रियाज एक खुद बहुत बड़ा नौसरबाज है, फ्रॉडी है। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि जिस तरह की वॉइस लैंग्वेज राजा रियाज ने उस खातून के मुतल्लिक इस्तेमाल की, वो खातून पता नहीं कैसे उसने पैसे जमा किए होंगे, और उसने बी फॉर यू में राजा रियाज जैसे नौसरबाज के हत्थे चढ़ के उसने अपनी रकम, अपनी जमा पूंजी वहां पे लगाई होगी, और अब वो जलीलो ख्वार हो रही है। अगर किसी को पैसे राजा रियाज नहीं दे सकते, तो उसके जख्मों पर नमक मत छिड़को, क्योंकि तुम तो खुद पैसे लेके दुबई भाग चुके हो, अब वापस तुमने भी नहीं आना। तुम खुद एक बहुत बड़े नौसरबाज फ्रॉडी हो। वो लाहौर की पार्टी से मैं रابطے में उनको कहूंगा कि तुम्हारा आईडी कार्ड वो पुलिस वालों को दे, क्योंकि लाहौर की अदालत से तुम इश्तिहारी हो चुके हो, वो तुम्हारा आईडी कार्ड दे, और जैसे ही तुम वापस पाकिस्तान आओ तो तुम्हें वहीं पे गिरफ्तार किया। कुछ शर्म करो, ये जरा वॉइस नोट सुनो कि तुम्हें वो जेब देता है। माजरत के साथ मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वो वॉइस नोट एक खातून के मुतल्लिक किया गया है, उस खातून के मुतल्लिक जो अपने पैसे मांग रही है, हलाल की कमाई मांग रही है, उस खातून के मुतल्लिक जो बच्चों के साथ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आती है, और इस उम्मीद के साथ आती है
कि शायद राजा रियाज का जो दो नंबर मलिक रियाज है वो उसको पैसे वापस कर दे। राजा रियाज ने तो उस खातून को कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ FIA में जाऊंगा, आप सिर्फ उन लोगों को डराते हो, उन गरीबों को डराते हो, धमकाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये जरा राजा रियाज का वॉइस नोट आप सुने। ब्रदर मैं क्या बात करूं, मुझे ये बताएं। मैं कहता हूँ जावेद भाई से मेरे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वो कभी भी अपने अल्फाज से मुकर नहीं सकता। ये जो मोहतरमा जिसको चस्के लेने की आदत है ना, इन्होंने जावेद भाई को पहले दिन इंट्रोडक्शन जो अपना करवाया था ना, वो ये करवाया था मैं पाकिस्तान आर्मी में मेजर हूँ, मैरियट जब मैं आऊंगी ना तो वो आर्मी की गाड़ियां मेरे इर्द गिर्द होंगी, तो मेरा प्रोटोकॉल आप देखना। तो जावेद भाई ने मुझे बताया कि टूटे हुए मोटरसाइकिल पे जनाब मियाँ के पीछे आके जब ये उतरी तो कहता बस। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जावेद भाई कभी भी इस चीज से इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे उस वक्त कह दिया था कि ये कोई गश्ती टाइप औरत है, ये जावेद भाई के अल्फाज है। मैंने तो कभी इसके लिए इस तरीके के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, मैंने हमेशा बेटा बेटा करके बुलाया। बेटा कह के बुलाने का रिजल्ट ये है कि वो इस हद तक सर पे चढ़ जाए। यार सैफ भाई से करोड़ों रुपए लेना तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहता हूं वही बात के पैदा करने वालों पर लानत हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, करोड़ों लेना तो बहुत दूर की बात है, कभी जिक्र तक नहीं हुआ, कभी इस तरफ सोच तक नहीं गई है। तो इस हद तक यार घटिया हरकत यार, इस हद तक बहतान तराशी यार, क्या हो गया है कि जी करोड़ों रुपए ले लिया और बैरिया में प्लॉट ले लिया। मैं अभी अगर इसकी साइबर क्राइम में अगर यही वाइस उठा के जो यूट्यूब चैनल्स की जो जीनत बनी हुई है, मैं साइबर क्राइम को सिर्फ मैं भेज दूं, ये और इसका शौहर जिंदगी में ये कभी जेल से बाहर आ सकते हैं? ये साबित कर सकते हैं इन सारी बकवासात को बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि यार औरत है? मैं क्या बताऊं इसके लिए, अल्लाह माफी दे, तरस आता है जो इसके जानने वाले लोग हैं। शौहर इसका सारा दिन बेचारा जो है ना वो टूटी हुई मोटरसाइकिल पे धक्के खाता है, वो पता नहीं वो क्या करता है वो बेचारा, दो कमरे के घर में ये बेचारी रहती है, फड़े इसकी सुन ले तो वो सातवें आसमान पे होती है, सिर्फ दूसरों की उंगल पे। इज्जत की है इसकी, अब भी इज्जत करना चाह रहा हूं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं इज्जत करना चाहता हूं, लेकिन ये शायद इस काबिल ही नहीं है कि जो इसको बेटा कह के बुलाए इज्जत दे, इसी ने उसी पे ही बहुतान तराशी करनी है। करे ना साबित, खाए ये अपने बच्चों के सर की कसम कि ये 100% सच बोल रही है कि सैफुर रहमान से राजा राज ने करोड़ों रुपए लिया है और उन करोड़ों रुपए से बैरिया टाउन में प्लॉट लिया है। इसका बाप भी कभी साबित नहीं कर सकता, ना ये कसम खा सकती है। ये खाए, कसम खाए और बात करे। ये इल्जाम लगाना, बहतान लगाना बड़ा आसान होता है, घर से बैठ के ना मूलियां खा के तोपे हर एक चला देता होता है। तो बात सिर्फ ये है कि जो इनकी जुबान में बात करें तो फिर वो इनके अब्बा जी लगते हैं, जो इनको इज्जत से बात करे तो उनके साथ ये सलूक होता है। तो मैं माजरे चाहूंगा बाकी तमाम अहबाब से भी कि मैं बस एक लिमिट होती है ना किसी चीज की, तो फिर मैं भी एक इंसान हूं, मजबूरन मुझे ये जवाब देना पड़ा है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं वंस अगेन माजरे चाहूंगा तमाम अहबाब से कि मैं आज उसके लेवल पे जाके मैंने उसको जवाब दिया। जी तो नाजरीन, ये आपने वॉइस नोट सुना जो अपने आप को दावा करता है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। वॉच टाइम्स की टीम ये दावा करती है कि राजा रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसरबाज लुटेरा है, राजा रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरूपिया है, जो लोगों को यहाँ तक कहता है कि उसके मरासिम हसास इदारों के अफसरान के साथ है। राजा रियाज साहब, अभी तो आपकी असलियत बहुत ज़्यादा खुल सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये वॉइस नोट सुनने के बाद मेरा खून खोल उठा कि आप एक उस खातून के मतलब जो अपने कम सिन नौमलूद बच्चे के साथ एहतसाब अदालत में आती है इस उम्मीद के साथ कि शायद उसको पैसे मिल जाएं, आपने तो उस खातून को इतना ताना दे दिया कि उसका खावन मोटरसाइकिल पे घूमता है, तो राजा रियाज अलमारूफ चचा खाम खा अलमारूफ राजा नौसरबाज आप साइकिल पे भी घूमते थे, आप खुद भी किराए के घर पे रहते हो, खुदारा अपने आप को इतना मत गिराओ। आपने एक तो, क्योंकि जितने भी दो नंबर लोग होते हैं वो अब माजरत के साथ मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और देख लें कि राजा रियाज की उम्र क्या है और उसकी बातें सुने। मैं दावे से कहता हूँ कि राजा रियाज के जो बेटे हैं वो राजा रियाज को इससे भी बुरे अलकाबात के साथ नवाजते होंगे, लाजमी बात है, क्योंकि डू गुड हैव गुड वाली बात है।
तो खुदारा कुछ शर्म करो राजा रियाज साहब, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की वॉइस नोट किसी खातून के मुतल्लिक नहीं करेंगे। अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसके जख्मों पर नमक भी मत छिड़को। खुद तो दुबई में बैठ के सैफ रहमान खान नियाजी के पैसों पर अयशी मार रहे हो और उल्टा जिन लोगों ने पैसे लेने हैं उनको तरह तरह से हरासा कर रहे हो। मैं दावे से कहता हूँ राजा रियाज के खिलाफ जितने भी बी फॉर यू के मेम्बरान हैं वो FIA साइबर क्राइम सेल में एप्लीकेशन दें। देखें राजा रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लाहौर में इसने जिस तरह जमानत करवाई, वहाँ का एक प्रॉपर्टी डीलर था उससे कैसे इसने मिन्नतें की वो भी जुबान ज़द आम है। तो उम्मीद करता हूँ कि बी फॉर यू के वो मेम्बरान और स्पेशली जिस खातून आसमा गिलानी इसका नाम है, इसके मुतल्लिक राजा रियाज ने जिस तरह का वॉइस नोट किया, ये खातून FIA साइबर क्राइम सेल में लाजमी एप्लीकेशन देगी। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।